नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने ले जा रहा हूँ। मुझे पता है मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कोविड हो गया था, जिस वजह से मैं रेस्ट में था और कहीं जा भी नहीं पाया और कोई वीडियो शूट भी नहीं कर पाया। पर मैं अभी बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब से आप लोगों को लगातार वीडियो देखने को मिलेगा। हम लोग तीनों ही निकल पड़े हैं एक साथ। हम लोगों ने सियार पर कालीबाड़ी आए थे, यहाँ पर आज रथ यात्रा है उसी को देखने के लिए। वैसे तो रथ यात्रा दिल्ली में कई जगह पर होता है, पर यहाँ पर रथ यात्रा बहुत ही अच्छा और ख़ास होता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी के घर जाते हैं इस टाइम, और फिर वहाँ से जिस दिन उल्टा रथ होता है उस दिन फिर वापस आते हैं। तो इसी को देखने के लिए हम लोगों ने आज सियार पर कालीबाड़ी आए थे, रथ यात्रा को देखने के लिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगा, अभी इसका प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ से शुरू होकर जीके सियार पार पूरा घूम के फिर वापस इसी मंदिर में आएगा। वैसे तो रथ यात्रा उड़ीसा में सबसे फेमस फेस्टिवल है। वहाँ पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ तैयार किया जाता है। सबसे पहले भाई बलराम का रथ होता है, बीच में बहन सुभद्रा का और लास्ट में भगवान जगन्नाथ का होता है। लेकिन यहाँ पर अभी एक ही रथ में तीनों को बैठाया गया है। आप ये देख सकते हैं एक ही रथ में जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी को बैठाए गए हैं। यात्रा शुरू हो गई है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी, तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपने बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने के लिए निकल पड़े थे। इसी दौरान वो अपने मौसी के घर गुंडीचा भी गए और वहाँ 7 दिन ठहरे, तभी से यहाँ पर रथ यात्रा का परंपरा शुरू हुआ है। पुरी में जो रथ यात्रा होता है उसमें 3 रथ होते हैं। सुभद्रा का रथ सबसे पहले होता है और उसमें 12 व्हील रहता है, व्हील यानी 12 चक्के रहते हैं। बलराम का रथ बीच में होता है और उसमें 14 व्हील होता है, और सबसे लास्ट में श्री जगन्नाथ जी का रथ रहता है और उसमें 16 व्हील होता है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो सुभद्रा का रथ होता है वो रेड एंड ब्लैक कपड़े से कवर किया जाता है, जो बलराम जी का रथ होता है वो रेड एंड ग्रीन कपड़े से कवर किया जाता है, और जो जगन्नाथ जी का रथ होता है और वो रेड एंड येल्लो कपड़े से कवर किया जाता है। और रथ यात्रा का प्रिपरेशन शुरू होता है अक्षय तृतीया के दिन से। रथ यात्रा देखने के बाद सबको मन हुआ थोड़ा मार्केट में जाके गोलगप्पे खाने का, तो अभी वही गोलगप्पे खा रहे हैं। ये 1 नंबर मार्केट में बहुत ही फेमस है, गोलगप्पे वाले हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग थोड़ा मार्केट घूमे। तो फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर एक नई चीज़ दिखाने की कोशिश किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।